हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स सेकंड। यू ऑल ऑलरेडी रीड योर structure analysis first. What you have read in first structure analysis? You have remember any topic? Hello? Hello? फोर्स मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एवरीवन आई थिंक नो दैट व्हाट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट्स are in structure analysis or under the structures. I think everyone know. If you all are know, then I will start forward. Otherwise, I will start from starting. Can I start from starting? Hello? ओके सर। हेलो ओके सर। ओके सर। ओके व्हाट ओके स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग सर। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके वेरी गुड। सो आई विल शेयर वन पीपीटी वन सेकंड।
This is visible to all or not? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will start structure analysis 2. Before I start this slide, beam and their types, I will show you some notes where you can identify that what is the supports and which type of support is under which type of structure. Okay, so I'm going to share some notes. One second. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think there is a problem to connect two devices at a time from mobile and from laptop. Okay. So I will start from our laptop only. Otherwise, echo problem. So, how many types of supports in structure analysis or in any buildings? How many types of supports? Anyone can tell? Fixed support, hinge support, roller support. And? Sir, guided roller support. Guided roller support. There are mainly four types of supports. Number one, if you want to write, you can write. Okay. Number one, fixed support. In fixed support, how many reactions? Number one,
वर्टिकल रिएक्शन सर थ्री होता है ओके थ्री ओके थ्री नेम ऑफ थ्री रिएक्शंस नंबर वन वर्टिकल रिएक्शन नंबर टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वन इज मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस मींस अबाउट द हॉरिजॉन्टल ओके देयर आर थ्री सपोर्ट्स एक्टिंग इन अ फिक्स सपोर्ट एंड नंबर सेकंड इज हिंज सपोर्ट हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्टिंग इन हिंज सपोर्ट हेलो टू रिएक्शन हेलो आई थिंक यू ऑल आर फेसिंग सम नेटवर्क इशू ओके सो आई विल कनेक्ट वंस अगेन हेलो हेलो यस सर हाउ मेनी रिएक्शंस आर इन हिंज सपोर्ट टू सर टू व्हाट सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्टिकल नो मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस ओके सो देयर आर टू रिएक्शंस इन 3D और 2D because there is a two condition 3D condition sir 2D means 2D condition in first yes supports there is a 3 reaction in 2D and 6 reaction in 3D 6 reactions 3D mein kaise hoga sir x y direction mein har ek lag jayega yes very good XY and Z direction में जिस direction में हमारा reaction होगा उस direction में हमारा moment भी act करेगा okay तो उसमें 6 reactions होते हैं 3D condition में and hinge support जब होता है तो वहां हमारा कितना 2 reactions होते हैं और 2 reactions में कौन कौन से होता है एक X direction में means horizontal direction में and एक vertical direction में and in 3D means condition mein hamara kitna bhi hai how many reactions honge 3 reactions ye 3 reaction kaun kaun se honge hello sir x axis mein y axis mein z axis mein teeno mein hoga sir yes in z direction mein bhi isme hoga theek hai but isme हमारा क्या मोमेंट नहीं एक्ट करेगा ठीक है इसमें मोमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या होता है ये हमारा हिंज सपोर्ट ये मूव कर सकता है मींस ऊपर नीचे मूव कर सकता है ये जो भी इसमें बीम होगा या भी कुछ कॉलम होगा कुछ भी होगा ये मूव कर सकता है इसलिए हमारा इसमें मोमेंट नहीं क्रिएट होगा जनरेट होगा ठीक है एंड नंबर थर्ड आएगा रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन एक्ट कर सकता है एक रिएक्शन सर वाई एक्स में वर्टिकल रिएक्शन वर्टिकल यस वेरी गुड ओनली वर्टिकल रिएक्शन बिकॉज हॉरिजॉन्टल में ये हमारा रोल कर सकता है ठीक है हॉरिजॉन्टल में रोल कर सकता है और ये हमारा मूव भी कर सकता है इसलिए हमारा केवल हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन काम करेगा और दो में काम नहीं करेगा ना इसमें हॉरिजॉन्टल में काम करेगा कोई रिएक्शन और ना ही हमारे इसमें मूवमेंट काम करेगा ओके तो इसमें 2D एंड 3D बोथ में हमारा क्या रहेगा वन रिएक्शन ही रहेगा ठीक है देन एक आता है अभी कौन बोला था गाइडेड रोलर कौन बोला था अभी गाइडेड रोलर सर हम बोले सर कुणाल कुणाल यस मींस इसमें हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर भी हो सकता है एंड वर्टिकल गाइडेड रोलर भी हो सकता है हो सकता है सपोज एक लोअर में एक हमने फिक्स दे दिया सपोर्ट और एक अपर में फिक्स सपोर्ट दिया और बीच में एक हमने बीम दे दिया बीम में क्या किया हमने रोलर लगा दिया ठीक है बीम ने हमने क्या किया रोलर लगा दिया तो उसको क्या कह सकते हैं
आगे मुख करा सकते हैं, पीछे मुख करा सकते हैं, जैसे हमारा पिस्टन होता है, ठीक है, आगे पीछे मुख करा सकते हैं, बट ऊपर नीचे वो नहीं जा सकता है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या होगा, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन लगेगा और इसमें कपल भी लगेगा, कपल मीन्स हमारा मोमेंट भी क्रिएट होगा, ठीक है, इसमें मोमेंट भी क्रिएट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। बट हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल भी होता है, सपोज हम वर्टिकली दो साइड में फिक्स सपोर्ट लगा दिए, फिक्स सपोर्ट मीन्स हमारा मिडिल में खाली एक बीम कर दिए कि हाँ मैंने ऊपर नीचे इसको हम रोल करा सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं जा सकते, सॉरी हॉरिजॉन्टली हम इसको मूव न करा के हम वर्टिकली मूव करा रहे हैं अभी, ठीक है, तो अभी इसमें क्या कितना रिएक्शन काम करेगा, हेलो कुणाल, यस सर, सर उसमें सर दो होगा सर, वर्टिकल और मोमेंट, हॉरिजॉन्टल सर जीरो आता जिसमें सर रोलर मूव करता सर, नहीं जिसमें नोजल अभी हॉरिजॉन्टल होता है उसमें तो हमारा वर्टिकल काम करेगा और एक मोमेंट काम करेगा, ठीक है, मोमेंट काम करेगा अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, उसमें हमारा काम करेगा मींस एम जेड काम करेगा, मींस एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट काम करेगा, ठीक है, बट अगर जब हम वर्टिकली मींस मूव करा रहे हैं तो अभी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, हमारा यहाँ पे दो रिएक्शन काम करेगा, यहाँ वर्टिकल रिएक्शन तो काम नहीं करेगा क्योंकि वर्टिकली अभी ये मूव कर लगा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं मूव कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ आरएक्स काम करेगा मींस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करेगा और इसमें तुम्हारा कपल भी काम करेगा मींस मोमेंट भी काम करेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, हेलो सॉरी यस सर, अबाउट मिस रोटेट कर सकता, क्या ये जेट काम करेगा, ठीक है, एम जेट काम करेगा मींस कपल या मोमेंट काम करेगा, कौन सा एम जेट मींस जेट डायरेक्शन की में काम करेगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा तुम लोगों को कैसा समझ में आया, सपोर्ट्स किस सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शन होते हैं, ये शायद तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो इन स्ट्रक्चर फर्स्ट में, ठीक है, अब इसमें हम एंड डिटरमिनेसी वगैरह सब लोग जानते हो कैसे निकाला जाता है, कितना होता है, कहाँ पे क्या होगा, यस सर थोड़ा पढ़े सर, अच्छा मेनी पर्सन सर देयर बट नॉट आंसर एनी, अमृत तोजिस्कार Are you here? अमृत तोजस्कर, भावना रानी, दीपा मेहता, यस सर, तुम लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो, बता रहे हैं सर, हम ही तो बता रहे हैं, अच्छा भावना रानी, धारिणी, यस सर, मधुसूदन हेम्ब्रॉम, यस सर, अभी सो के उठे नहीं हो क्या, उठ गए सर, यस सर, ओके ठीक है, मालती कुमारी, यस सर, तुम बाबू थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी बट इसमें तुम अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ओके सर, हाँ क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो थोड़ा सा इजी तो है बट अगर कभी इन फ्यूचर अगर तुम्हारा ऑफलाइन अगर एग्जाम वगैरह होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसलिए अभी से ही थोड़ा सा लग जाओ पढ़ने पर, घर पर टाइम है पढ़ने का, हॉस्टल में भले ही टाइम ना मिले, घूमते रहो सब लोग इधर उधर, बट घर में टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लो, ओके, नीतीश लाल, नीतीश लाल, यस सर, हाँ पढ़ लो घर पे, ठीक है, यस सर, हाँ अभी कौन है, अभिषेक राम आया कि नहीं आया, यहाँ पे अभिषेक राम दिख रहा है, ओके, सो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या
अभी तो हमारा ये हो गया कितना रिएक्शन काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे दो टाइप के रिएक्शन काम करते हैं, एक एक्सटर्नल भी काम करता है और एक इंटरनल भी काम करता है। तो एक्सटर्नल ए इंटरनल में क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या होगा, यहाँ सभी लोग जानते हो, हेलो हेलो, यस सर, सर सपोर्ट्स के बारे बोल रहे सर, इंटरनल सपोर्ट डायरेक्टर, मींस अभी सपोर्ट्स तो हो गए हमारे, ठीक है, बट अभी एक मींस एक सपोज एक बीम है, ठीक है, तो बीम के मिड कौन कितने रिएक्शन लगे, कौन सा रिएक्शन लगेगा, मींस कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बीम के मिडिल में, या फिर किसी डिस्टेंस हमारा कौन सा सपोर्ट या रिएक्शन काम करेगा, कौन सा फोर्स काम करेगा, ठीक है, उसके बाद फिक्स सपोर्ट है सर, पीक सपोर्ट, पीक सपोर्ट, ये कौन सा सपोर्ट, बेंडिंग होगा सर, यस वेरी गुड, यहाँ पर चार रिएक्शन काम करता है, चार फोर्स काम करता है तुम्हारा, एक एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एंड लास्ट है टॉर्सनल मोमेंट। अभी कैसे आया ये हम तुमको थोड़ा सा बना के बताते हैं, ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड तुम्हारा शेयर करता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड हम शेयर कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पर एक हमने एक ही फ्रेम ले लिया, कोई एक ही कोई फ्रेम ले लिया, ये सभी लोग को शो हो रहा है ना, यस सर, यस सर, अच्छा एक चीज हमको बताना, जो बीम होता है और फ्रेम होता है क्या डिफरेंस होता है बीम एंड फ्रेम में, सभी लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट पढ़ चुके हो आई थिंक, सर फ्रेम में बीम कॉलम ये सब सब अटैच होता है और बीम में बस सिंगली बीम होता है सर, यस, एंड बीम फ्रेम एक साइड में रख के हम एक ट्रस ले लें, अभी क्या डिफरेंस हो गया बीम एंड ट्रस में सर, बीम एक सिंगल ले सकते हैं, ट्रस ना बीम का जॉइंट जो होगा सर उसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बीम को ट्रस बोलेंगे सर, मतलब जो पिन से कनेक्टेड होगा या फिर, अच्छा तो बीम में और जो पिन जॉइंटेड ट्रस है इसमें रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होता है, फोर्स कहाँ पे लगता है, बीम में सर मिडिल पे फोर्स लगेगा और ट्रस में सर उसके जॉइंट पे फोर्स लगेगा, हाँ वेरी गुड, तो मैं सभी लोग को बता रहा हूँ अभी, जैसे अभी धारणी बताई, ठीक है, थोड़ा सा ठीक बताई है मींस उस लेवल का, अभी देखो जो बीम होता है, बीम वो क्या करता है, वो यूनिफॉर्म तुम्हारा लोड भी लग सकता है, पॉइंट पे भी लोड लग सकता है, ठीक है, मीन्स अगर हमारा कोई एक स्लैब पड़ा हुआ है घर में, ठीक है, तो स्लैब का जो नीचे बीम रहता है तुम्हारा, तो देखते हो कि स्लैब का टोटल लोड बीम पे आता है, मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर बीम पे हमारा स्लैब ना ढाल के एक दूसरा उस पर पिलर खड़ा कर दे तो हो जाएगा पॉइंट लोड, ठीक है, तो बीम में क्या होता है कि उसके पूरे स्पैन पे लोड हो सकता है, सॉरी मीन्स लोड हो सकता है या फोर्स हो सकता है या फिर पॉइंट लोड या फोर्स हो सकता है, ठीक है, बट जो हमारा पिन जॉइंटेड ट्रस होते हैं तो ट्रस में हमारा जहां पे कनेक्टेड रहता है वहीं पे केवल फोर्स पड़ता है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया, हेलो, यस सर, तो हमारा ये डिफरेंस होता है बीम में और पिन जॉइंटेड ट्रस में या स्ट्रक्चर में, ठीक है, अभी जैसे मैंने ये बनाया एक सपोज मान लो हमने ये पिन जॉइंटेड एक मेंबर बनाया, एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है और एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दीज आर टू पिन्स, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या हम जानते हैं पिन जॉइंटेड या हिंज पे कितना सपोर्ट्स काम करता है,
हेलो पिन जो आइटेड या हिंज पे कितना काम करता है रिएक्शन दो सर दो काम दो सर ओके दो काम करता एक. है अभी कौन बोला है बोलो तुम सही बोल रहे हो कौन बोला है सर हम बोले क्या नाम है सर ऋतिक ऋतिक कितना काम करता है सर पिन जॉइंटेड में एक करता है ना एक्सियल पिन जॉइंटेड में एक काम करता है लेटरल मेंबर्स में मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं अभी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा पिन पे कितना काम करता है पिन पे तुम्हारा दो रिएक्शन काम करता है हाँ हिंज वाला आरएक्स वाला पिन पे दो रिएक्शन काम करता है अगर सपोज तुम्हारा टेंशन में मेंबर है ठीक है तो ये टेंशन के लिए हम बना रहे हैं सपोज मान लो टेंशन के लिए हमने ये बनाया ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आरएक्स मींस एक्स डायरेक्शन में और ये ऊपर में काम करेगा सपोज मान लो ऊपर बनाए या फिर हम नीचे बना दे ऊपर की तरफ तो ये आर वाई काम करता है ठीक है अभी मैं मेंबर के मिडिल में की बात करने जा रहा था जैसे ऋतिक बोला है ठीक है अभी मैं मिडिल को अगर इसको काट दू अगर काट दू और हम यहाँ पर क्या कितना फोर्स लग रहा है ये देखने जा रहा हूँ तो ये जो हाफ मेंबर मैंने कट कर दिया सपोज ये मैंने कट कर दिया ठीक है ये मैंने कट कर दिया अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा कि हाँ ऋतिक जो बोला वही काम करेगा देखो यहाँ पर ये एक्सियल फोर्स काम एक्सियल करेगा एक्सियल फोर्स काम करेगा ठीक है एक्सियल फोर्स काम करेगा तुम्हारा क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि किसी भी मेंबर में या फिर किसी भी बीम में कितना फोर्स काम करता है तीन फोर्स काम करता है इंटरनल चार फोर्स काम करता है एक्सियल फोर्स बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एंड टॉर्सनल यस हेलो यस सर बोलो ऋतिक हेलो हाँ बोलो ऋतिक कुछ बोल रहे हो हाँ वही बोल रहे सर इंटरनल फोर्स चार लगेगा अगर इंटरनल फोर्स चार लगेगा बट यहाँ पर कौन सा अगर ये मेंबर ले लिए हैं तो यहाँ पर कट करेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा तुम्हारा एक्सियल फोर्स लगेगा ये हो गया तुम्हारा 2D के लिए ठीक है ये 2D के लिए है एंड फॉर 3D अगर हम देखें तो कितना रिएक्शन काम करता है पिन जॉइंटेड या हिंज में दो रिएक्शन दो नहीं बाबू वहां पे तीन रिएक्शन काम करता है 3D में होता है 3D में 3D की मैं बात कर रहा हूँ तो ये मैं 3D में तीन होता है हाँ तो मैं 3D की बात करने जा रहा हूँ ठीक है अगर मैं 3D की बात करूँ तो यहाँ पर कितना तीन रिएक्शन काम करेगा एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में काम करेगा एक जेड डायरेक्शन में काम करेगा ठीक है अभी अगर हम इसको कट करें मिडिल से तब कितना फोर्स वर्क करेगा यहाँ पे हेलो अगर मैंने मिडिल से कट कर दिया तो कितना फोर्स काम कर रहा है एक ही फोर्स काम करेगा यस यहाँ पर भी एक एक्सियल फोर्स ही वर्क करेगा एक्सियल फोर्स ही वर्क करेगा ठीक है उसके बाद अगर हम क्या तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं नोट्स में क्या लिख सकते हैं नोट्स में ये लिख सकते हैं देयर इज ओनली क्या हेलो क्या सर क्या बोले अगर यहाँ नोट्स में लिखना चाहें 2D और 3D में कितना हमारा इंटरनल फोर्स वर्क करता है तो क्या लिखेंगे सर एक ही होगा ना दोनों यस देयर इज ओनली वन इंटरनल रिएक्शन इन पिन जॉइंटेड मेंबर्स इन बोथ केसेस 2D एंड 3D ओनली वन इंटरनल रिएक्शन और फोर्स विल वर्क ओके अब अगर हम आ जाएं इसमें
मीन्स रिजिड ज्वाइंट में, रिजिड ज्वाइंट मीन्स फिक्स ज्वाइंट में. फिक्स ज्वाइंट कैसा होता है, सपोज मान लो ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम हमने मान लिया है. बीम पढ़े हो सभी लोग थोड़ा बहुत कुछ? यस सर. ये सपोज मान लो हमने एक फिक्स बीम है, ठीक है, सपोज दिस इज ए फिक्स बीम. देन फिक्स बीम कितना रिएक्शन काम करता है, हाउ मेनी रिएक्शंस आर एक्ट? तीन. फिक्स बीम तीन रिएक्शन, थ्री रिएक्शन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वन मोमेंट अबाउट जेड एक्स एक्सिस. ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको हम कट करें, अगर इसको हम सपोज एक यहां से कट कर दे रहे हैं, यहां से कट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इस पे अभी कौन सा इंटरनल फोर्स काम करेगा? एक्सियल थ्रस्ट, शियर मोमेंट और टॉर्जनल इवेंट. कौन कौन सा? एक्सियल मोमेंट, एक्सियल थ्रस्ट, शियर, टॉर्जनल मोमेंट. टॉर्जन मोमेंट क्यों काम करेगा? टॉर्जनल सर रोटेट भी तो हो सकता है. कैसे रोटेट हो सकता है? क्यों रोटेट होगा? एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर मोमेंट नहीं ना हो रहा है अभी. यहाँ पर देखो हम बात दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक हमने एक्सियल फोर्स लगेगा, ठीक है, एक्सियल फोर्स लगा और ये मिडिल से कट हो रहा है. कट हो रहा है मीन्स शियर हो रहा है, तो यहाँ पर शियर फोर्स लग गया है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डजंट मैटर. ठीक है, हमारा शियर फोर्स लग गया है. अभी यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट होगा. मोमेंट क्या क्रिएट होगा कि इस पे अगर हम लोड डालते हैं, ठीक है, लोड डालेंगे बीम क्या हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. सपोज मैंने नीचे से मैंने लोड लगा दिया, ठीक है, तो ये ऊपर को चला जाएगा, ऊपर से लोड मैंने दिया तो नीचे को चला जाएगा. मीन्स यहाँ पर मोमेंट क्रिएट होता है, मोमेंट क्रिएट होगा बस. ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पर तुम्हारा टॉर्सनल मोमेंट काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इसको हम ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं. ठीक है ऋतिक? हाँ हाँ सर, समझ गया. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई दूसरा बीम नहीं कनेक्टेड है. अगर दूसरा बीम कनेक्टेड हो रहा, सपोज मान लो कि ये बीम हमारा कनेक्टेड है, इसमें ये बीम हमारा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अगर हम लोड दे रहे हैं दिस पॉइंट पे, तो ये क्या करता है, नीचे को जाएगा, तो ये इस बीम को रोटेट करेगा. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाँ, तो यहाँ पर ये टॉर्सनल मोमेंट वर्क नहीं करेगा. मीन्स यहाँ पर तीन तीन मोमेंट काम करता है. कौन सा? एक एक्सियल फोर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, एक शियर फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, और एक मोमेंट बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, ये काम करता है. ये हो गया हमारा बात. कौन सा? टू डी डायरेक्शन के लिए, सॉरी टू डी के लिए, टू डी कंडीशन के लिए. इफ अगर थ्री कंडीशन के लिए हो तब क्या होगा? कितने फोर्सेस काम करेंगे? हेलो, हेलो सर, तीन ही करेगा फोर्सेस? तीन ही होंगे बट उसके अंदर नहीं, सॉरी, फोर्सेस हमारे तीन ही होंगे बट हमारा कितना इंटरनल तीन ही होगा, कितना रिएक्शन आ जाएगा? रिएक्शन छह हो जाएगा. रिएक्शन छह हो जाएगा. रिएक्शन छह हो जाएगा, वेरी गुड. मीन्स अभी जो हमारा जेड डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा था उसमें और मोमेंट लगने लगेगा. कौन सा? वाई डायरेक्शन में एंड एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंट हमारा लगने लगेगा. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. हाँ, मगर कैसे कैसे लगने हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर हम बता दे रहे हैं कि ये एक मिनट, ये हम यहाँ पे इरेज करते हैं.
सपोज ये 3D है, ठीक है, 3D मींस एक एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है, शियर फोर्स एक्ट कर रहा है एंड बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायरेक्शन में कौन सा रिएक्शन रहेगा, शियर फोर्स में कौन सा रहेगा और मोमेंट में कौन सा रिएक्शन रहेंगे? मेरी बात को समझ रहे हो क्या सर? अभी यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर 6 रिएक्शंस आर एक्टिंग इन 3 डायरेक्शन, ओके, एंड 3 फोर्सेस एक्टिंग व्हेन वी विल कट दिस बीम। तो ये क्या होगा कि इसमें किस फोर्स में कौन सा रिएक्शन आएगा, किस रिएक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, ये भी कह सकते हैं। तो किस फोर्स में कौन सा रिएक्शन एक्ट करेगा? हेलो, हमारा जो भी ये फोर्स मींस एक्ट हो रहा है तो किस मींस इसका रीजन क्या है, किस डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, किस रिएक्शन की वजह से हो रहा है? हाँ सर, मतलब एक्सटर्नल जैसे देंगे उसको फोर्स करेगा। आप एक्सटर्नल क्या कह देंगे, कौन सा एक्सटर्नल में हमारा कौन सा इंटरनल फोर्सेस होंगे? मोमेंट, अगर एक्सटर्नल मोमेंट हो रहा तो उसको अपोज करेगा मोमेंट, ठीक है। मैं क्या वर्टिकल, तुम्हारा एक्सियल फोर्स है, ठीक है, एक्सियल फोर्स, तो यहाँ पर तुम्हारा ओनली एक्स होगा, एक्स डायरेक्शन में खाली होगा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा शियर फोर्स है, शियर फोर्स वाई डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन होगा? वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन भी होगा, जेड डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3D का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आर वाई एंड आर जेड भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम 3D की बात कर रहे हैं, 2D की बात नहीं कर रहे हैं। 2D में ओनली क्या होगा, आर वाई काम करेगा, बट कंडीशन आर जेड भी काम करेगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं मोमेंट पे, तो मोमेंट कौन कौन सा वर्क करेगा, बेंडिंग मोमेंट XYZ। अच्छा सुनो, तुम लोग का अभी मीटिंग खत्म हो जाएगा, तो मीटिंग फिर से तुम लोग ज्वाइन कर लेना सब लोग, क्योंकि मैं 2 लेक्चर लूंगा और फिर लेक्चर के 2 लेक्चर लेने के बाद ही लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या काम करेगा, XYZ बाबू काम नहीं करेगा, ध्यान देना, XYZ काम नहीं करेगा, यहाँ पर जेड डायरेक्शन में वर्क करेगा और वाई डायरेक्शन में वर्क करेगा। कैसे, एक्स डायरेक्शन में टॉर्सन काम करेगा अभी यहां पे। ऋतिक, हाँ यस सर, हाँ टॉर्सन काम करेगा तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, टॉर्सन मोमेंट। अच्छा मैं मीटिंग कैंसिल करके